channel Fitness Infinity, and in this video I'm gonna talk about, as you have seen from thumbnail, this video is all about how many eggs to eat in a day. तो हम नॉर्मली सुनते हैं, कोई कहता है आप दो अंडे खाओ, ज़्यादा मत खाओ, बीपी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, येलो वाले पार्ट में ये होता है, येलो वाले पार्ट में वो होता है. तो फिर इस डाउट को, इस कंसर्न को इस वीडियो के थ्रू क्लियर करते हैं कि एक दिन में कितने एग्स खाने चाहिए. अब कोई आपको अगर बोल दे रहा है कि यार भाई दो अंडे खाओ, दो अंडे से ज़्यादा मत खाओ, तो दो अंडे से ज़्यादा नहीं खाओगे भाई, तो 12 ग्राम प्रोटीन के ऊपर तो पहुंच ही नहीं पाओगे. आप 60 केजी के बंदे हो, 60 केजी के इंसान को 120 से 150 ग्राम के बीच में प्रोटीन चाहिए. आप जब 12 ग्राम प्रोटीन खा के तुम कौन सी लड़ाई लड़ लोगे? तो इट्स टोटली इनसफिशिएंट. ऐसे आपका मसल को जो प्रोटीन मिलना है वो नहीं कम्प्लीट हो पाएगा. तो यू हैव टू ईट. नाउ इसी वजह से लोग प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली क्लियर अबाउट हाउ मच प्रोटीन यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. अगर एक आदमी को पता चल जाए कि नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन कितना लेना है, तो उसका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए कि भाई सप्लीमेंट अप्लीमेंट साइड में मेरे टेस्ट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए सप्लीमेंट. तो मैं यही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप घर पे हो, अगर मॉम डैड आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं कि भाई दो अंडे कितने खाएगा, अंडे तीन खाएगा, चार खाएगा, तो फिर यहाँ पे आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा. यू हैव टू ईट मोर, एटलीस्ट मोर देन 5x. सॉरी, यू हैव टू ईट एटलीस्ट 5x, 5x अ डे. आपको 5 अंडे खाने ही खाने हैं. अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, ओके, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप एथलीट हो, आप लाइक डेली आपका नॉर्मल ह्यूमन जैसा रूटीन नहीं है, आप रनिंग करते हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, और आपको मसल बिल्ड, द मेन गोल आपका टारगेट है मसल बिल्डिंग का, तो मसल बिल्ड करना है आपको, तो यू हैव टू ईट एग्स, यू हैव टू ईट ओट्स, यू हैव टू ड्रिंक मिल्क, लाइक 1 गैलन ऑफ मिल्क. कम से कम 1 लीटर या 2 लीटर आपको दूध पीना है एक दिन का, क्योंकि यही चीज़ नेचुरल है यार. इससे, इसके अलावा और कोई जड़ी बूटी है और कोई अमृत जल नहीं है कि आप पी लो यार और आपका, आपके मैक्रोस कंप्लीट हो जाएं. यू हैव टू ड्रिंक मिल्क, यू हैव टू ईट ओट्स, यू हैव टू ईट पीनट बटर एज वेल एज एग्स. सो हाउ मेनी एग्स अ डे? यू हैव टू ईट 5x. नाउ इस 5 अंडों के भी तरीके हैं खाने के. यहाँ तो आप पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे सोने के निकाल दो, बचे कितने? 10 घंटे निकाल दिए, बचे 14 घंटे. ठीक है, अब 14 घंटे में से 4 घंटे भी निकाल दो, काम वाम जो भी आपका है ना, बचे आपके 10 घंटे. अब 10 घंटे में से आपको हर दो घंटे में आपको एक अंडा खाना है. ठीक है, फुल खाओ, येलो भी खाओ, वाइट भी खाओ, कोई इशू नहीं है. अब बोलोगे दो अंडे के जो येलो पार्ट्स है वो दो से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए. एग्री करता हूँ इस चीज़ को. और पिछले 7 साल की बॉडी बिल्डिंग में, पिछले 7 साल के फिटनेस करियर में, मैंने 2 येलो पार्ट से ज़्यादा नहीं खाए. कब? जब मैं एक ही साथ 3 या 4 अंडे खाता हूँ. अगर मैं जिम करके आ रहा हूँ, और मैं ऑब्वियसली, हम लोग जब हम कॉलेज में थे तो हम जिम करने के आने के बाद अंडे ही खाते थे, द मोस्ट क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आफ्टर जिम. एंड एक केला अगर साथ में हो तो भाई तगड़ा वाला पोस्ट वर्कआउट है आपका. तो अगर आप एक साथ 4 अंडे खा रहे हो तो आपको 2 होल एग्स खाने हैं और 2 वाइट पार्ट्स खाने हैं, मतलब आपको 2 येलो पार्ट खाने हैं, इसको हम यॉक बोलते हैं. आपको सिर्फ 2 खाने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खाने. अगर आप एक साथ खा रहे हो तो आपको 2 ही खाने हैं, ये बात याद रखो, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. पर अगर आप हर 2 घंटे के इंटरवल में 1-1 अंडा खा रहे हो, लाइक 10 बजे सुबह के 1 अंडा खाया, 12 बजे दूसरा अंडा खाया, 2 बजे तीसरा अंडा खाया, 4 बजे चौथा, और 6 बजे 5वां, तो आपके दिन के 5 अंडे कंप्लीट हो गए. और आपको पता नहीं चलेगा यार कि वो कब डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि आप 1-1 अंडा एक टाइम पे खा रहे हो, और वो आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो, उसको बहुत टाइम मिल रहा है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इस तरीके से आप अपना प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हो. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आपकी बॉडी को पता नहीं है कि उसको क्या अंदर ले रही है और क्या निकाल रही है, ही डजंट नो अबाउट इट. बट द मोमेंट आप 3 अंडे खा रहे हो एक दिन के, नेक्स्ट वीक आपने एक और बढ़ाया, 4 बढ़ाया, तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को समझते हो कि यार ठीक है, धीरे धीरे आप सडनली आप कुछ ओवरलोड कर लोगे तो वो वापस निकाल देगी बॉडी. तो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है, लाइक 3 अंडे एक दिन में, 1-2 वीक के बाद 1 अंडा बढ़ाओ, 1-2 वीक के बाद 1 अंडा बढ़ाओ,
तो इसकी आप लिमिट आप 6 से 7 अंडे तक बढ़ा सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनल लेवल में हो तो राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल लेवल, मैं जस्ट नेचुरल तरीके से किस तरीके से नॉर्मल आदमी जिम वर्कआउट करता है और हेल्दी रहता है, मैं जस्ट उसकी बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल लेवल में फिर बहुत चीज़ें मिक्सअप होती हैं, वो एक्चुअली नेचुरली नहीं है पहली बात तो। तो नेचुरल वे में आपको हेल्दी कैसे रहना है, उसमें आपको मिनिमम 6 अंडे के हिसाब से आपको आपको खा लेना चाहिए। बट इसको आप स्टार्ट कैसे करोगे, इसको आप स्टार्ट करोगे लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 3 eggs ईट इन अ डे, देन 4 then 5 then 6। तो एक एक अंडे को आप बढ़ाओ एक एक वीक के बाद, इसे क्या बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा बट बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। अब जिम से निकले और 5 अंडे पेल दिए येलो पार्ट के साथ, तो भाई प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, कुछ ना कुछ बॉडी में माल फंक्शनिंग होगा और आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि भाई गड़बड़ है। तो उससे बचने से पहले वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के बाद आओ 2 अंडे खाओ, लाइक पोस्ट वर्कआउट 2 अंडे विद येलो पार्ट डन। 2 घंटे होते हैं 1 अंडा और खा लो, फिर 2 घंटे होते हैं 1 अंडा और खा लो, ऐसे आप 3 अंडे 4 अंडे 5 अंडे खा सकते हो। एक वीक 1 से 2 वीक तक आप 4 अंडे खाइए, 1 हफ्ते तक। या तो वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट के बाद 2 अंडे पूरे खा लो, फिर हर 2 घंटे का 1 1 अंडा खा लो। जब 1 से 2 हफ्ता होता है फिर वर्कआउट के बाद 2 अंडे फुल, फिर 2 2 घंटे का 1 1 अंडा। अब वर्कआउट कर रहे हो बट आप वर्कआउट के बाद अंडा नहीं खाना चाहते, अब वर्कआउट के बाद यू नो यू वांट टू ईट लाइक फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स लाइक बनानास एंड लाइक पाइनएप्पल जूसेस, सो इट एक्चुअली गिव्स यू इंसुलिन स्पाइक एंड इज वेरी गुड फॉर योर यू नो आफ्टर वर्कआउट लाइक पोस्ट रिकवरी। सो अगर आपको अंडा नहीं खाना, एक्चुअली वर्कआउट करने के बाद यू नो थ्रोट पूरा सोर हो जाता है, गला सूखा हुआ है और उसमें अंडा खाना लाइक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो तब अगर आपको अंडा नहीं खाना, नो प्रॉब्लम, आप मॉर्निंग से स्टार्ट करो, हर 2 घंटे में 1 अंडा 4 से 5 अंडे खा लो। 2-3 वीक होते हैं, 4-5 की फ्रिक्वेंसी को आप 6 कर दो। तो ये तरीका है एक्चुअली अंडा खाने का। एक साथ खा रहे हो तो आपको 2 अंडे, अगर आप एक साथ आप कुछ भी खा रहे हो लाइक 4 अंडे खा रहे हो 5 अंडे खा रहे हो, येलो पार्ट सिर्फ 2 खाओ एक साथ, 1 at a time। येलो पार्ट योक पार्ट 2 maximum 2, वाइट पार्ट आप 4-5 खा सकते हो। बट ऐसा भी नहीं है कि आप पोस्ट वर्कआउट के बाद लाइक 12 अंडे खा रहे हो और यू नो 2 अंडे का येलो पार्ट खा रहे हो और बाकी के 10 अंडे का आप येलो पार्ट फेंक दे रहे हो, तो दैट इज फुलिशनेस, वो फिर बेवकूफ़ी है कि आप इतना मनी वेस्ट कर रहे हो। उससे बेटर यार, उससे बेटर दिमाग लगाओ यार, 2 अंडे खाओ फुल, येलो पार्ट वाइट पार्ट 6 grams each, 12 grams protein in 2 eggs। 2 अंडे खाओ, रूम में जाओ यार, 2 केले खा लो, नहीं केला खाना दलिया खाओ यार, दलिये को दूध में बॉईल करो दलिया खाओ, प्रोटीन मिल जाएगा आप सफिशेंट, तुम्हारे मैक्रोस कंप्लीट हो जाएंगे, वो 12 अंडे खाने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट मी वाइंड अप कि एक्चुअली में कैसे खाना है। एक साथ 2 येलो पार्ट नहीं खाना, हर 2-2 घंटे बाद आप 1 1 अंडा खा सकते हो टिल 6 maximum 6 eggs। आप स्टार्ट करो 3-4-5 से स्टार्ट करो। सो यही एक तरीका है अंडे खाने का। अगर सर्दियां हैं तो आप लिमिट बढ़ा सकते हो, बट मैं अगर आपको बताऊं तो 2 येलो पार्ट से ज़्यादा आप मत खाओ दिन में, मैक्सिमम 2 येलो पार्ट्स दैट्स इट। हाँ, बट अगर आप हर 2-2 घंटे में 1 1 अंडा खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो और 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हो, तो आप 5 अंडे विद 5 येलो पार्ट्स खा सकते हो ओनली वेन जब आप हर 2-2 घंटे में 1 1 अंडा खा रहे हो। ओके गाइज, दिस इज एक्चुअली इनफ फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको कोई भी किसी भी तरीके का इश्यूज है लाइक क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस वेजिटेबल किस फ्रूट के क्या बेनिफिट्स है, प्रॉपर टाइमिंग क्या है कब खाने के, कितना खाना चाहिए, दूध कितना पीना चाहिए, सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। And guys, please subscribe this channel for more videos. I will try to upload as many videos as possible. So thanks a lot guys for watching this video. Stay fit, stay strong. California dreams.